महिला कॉलेज परेड में कल से ही लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। काफी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं यहाँ के छात्राओं की तरफ से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस टाइम प्रिंसिपल विमेन कॉलेज परेड अनीता सूदन जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ और अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि अभी ही को ये भी पता चला है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है डीसी ऑफिस में जाके भी प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि कॉलेज के अंदर क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, आज भी क्लासेस लगी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रिंसिपल मैम खुद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना उनका। मैम, काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से, कल से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं और स्टूडेंट्स रोड पे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं और आप अब इस पे क्या कर रहे हैं फिलहाल? सर, हमारी तो क्लासेस चल रही हैं, बच्चे तो अंदर हैं जो पढ़ने वाले हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यूनिफॉर्म पहन के आउटसाइडर आए। जो स्टूडेंट पिछले साल थे, जो फेलियर्स हैं, इस बार कॉलेज नहीं आ सके, एडमिशन नहीं हो सकी, दे आर दो स्टूडेंट्स। और कल बड़ी मज़ेदार चीज़ तो ये हुई, जब एडमिनिस्ट्रेशन वाले आए और उन्होंने जब बात की है तो उसमें जो बच्चा निकला है जो कि नारे लगवा रहा था, वो है हाई जैक द कॉलेज, वो कोई विद्या मंदिर स्कूल है उसका बच्चा था। और ये जिसे कहते ABBP वाले लोग थे, लॉ डिपार्टमेंट का बच्चे थे, लॉ स्कूल के, जो कि यहाँ आके देवर क्रिएटिंग द रूपस, टीचर्स के भी इन्होंने धक्के धुके मारे हैं, टीचर्स के साथ भी मैन हैंडलिंग की है बच्चों ने, वो इतना उन्होंने उकसाया भड़काया। सर, कल भी क्लासेस चल रही थी, साइंसिस की क्लासेस चल रही थी, आर्ट्स की क्लासेस चल रही थी, कुछ फ्यू स्टूडेंट, ओनली फ्यू स्टूडेंट, सम 40-50 स्टूडेंट्स हु आर क्रिएटिंग दिस रूपस। और बाद में वो जब आइडेंटिफाई हुए हैं यहाँ, तो वो ये पता चला है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ABBP के थे कुछ, और कुछ जो थे वो इसी तरह के आम साइड। मैम, आपको लगता है कि जो जिस तरह से आपने कहा ABBP के स्टूडेंट थे, ये लोग जो है भड़का रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, जैसे ये लग रहा है। अब देखिए, इन्होंने पहले कहा कि चौकीदारों ने हमारे साथ बदतमीजी की, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कौन सा गुलजार का नाम एक का पहले ले रहे थे, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा क्या करता है, मैडम जी गालियाँ देती थी, बुलाया, मैंने कहा बोलो जी किसको गालियाँ दी हैं, इसने बताइए क्या क्या किया, मैं अभी इसको सस्पेंड करता हूँ। व्हाट दे टोल्ड कि मैडम नहीं, ये हार्शली बोलता है, नहीं वो दूसरे दाढ़ी वाले अंकल हैं, उसको बुलाया, उसको कहते हैं नहीं मैडम ये अंकल तो बड़े अच्छे हैं। और फिर जो लड़की है वो मेरे को आके कहती है नहीं मैडम अभी नहीं, लास्ट ईयर इसने मुझे डांटा, ये तो सब फैब्रिकेटेड है। ठीक है, मैंने फिर भी प्रिकॉशनरी से उन चारों चौकीदारों को असेंट ऑन द पोस्टली पार्ट नहीं, चौकीदार लगते हैं। कल वो लड़का जो था वो पुलिस के सामने भी ये बोल रहा था, अब पुलिस वालों ने इंक्वायरी की, कोई बता, बड़े उल्टे सीधी बातें कर रही थी, रेप एंड ऑल दैट वर्ड दे वर यूजिंग। सर, मैं खुद एक लेडी एंड आई एम अ फेमिनिस्ट, मेरे सामने ऐसा कोई केस आएगा या मेरे को पता चलेगा कि किसी ने ऐसे किया, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सेट द पर्सन राइट एंड टेक माई सेल्फ इन टू द पुलिस कॉम्बट में तो आदमी देखा। मैम, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी एलिगेशन है कि आपने कुछ गलत वर्ड्स यूज किए हैं। देखिए आपको मैं, और ये एक स्टूडेंट का कहना नहीं है, काफ़ी सारी यहाँ की छात्राएं हैं जिनका ये कहना है। मेरे को एक चीज़ बता दीजिए, मेरा डायरेक्टली कांटेक्ट कहीं स्टूडेंट के साथ है नहीं है। बात ये है कि अब वो जब इनसे पूछा गया कि आप, बात ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं और टीचर जो हैं वो मैडम के ही तो अंडर आते हैं ना, इसीलिए मैडम नहीं कहा, उन्होंने कहा मैडम ने। और मैं कोई नहीं सोचती कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी लैंग्वेज यूज करे, मैं किसी टीचर के यकीन ही नहीं कर सकती कि टीचर्स या हमारी तरफ से। हाँ, आप ये कहते हैं ऊंचा बोल सकता है चौकीदार या रफली बोल सकता है, क्योंकि दीज लाठीज आना चाहिए, आप भी जानते हैं कितनी इनकी क्वालिफिकेशन है चौकीदार। बाकी अगर मेरे नोटिस में, मैंने वही लड़कियों से पूछा मेरे को बताओ मेरे नोटिस में आपने ये लाया, कभी आज तक मेरे को कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं है। और एक चीज़ ये मैं बताऊँ, फर्स्ट सेम के बच्चे नहीं, ये आप देखिए आपके सामने ही एप्लीकेशन का ड्रिक चढ़ रहा है, बच्चे आ रहे हैं मैडम इसको वीर जी, लोग भी कह रहे हैं, बात क्या है कि यूनिफॉर्म में नहीं क्या आ सकते, सिर्फ इनको यही कहा है ना कम इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म, दैट इज़ कमीज सलवार एंड दुपट्टा, वो तो हमारे टाइम से लगी है, मैं भी यहाँ इस कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ इन 70s,
हम भी मैम आप प्रिंसिपल हैं विमेन कॉलेज में, एक टीचर भी हैं जी। तो मैम टीचर का सबसे पहला रोल यही रहता है कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे कोई फर्क ना पड़े। अब इस तरह से जो बच्चे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी उनके लिए क्या अपील है, क्योंकि एट द लास्ट उनका जो है एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से भी अपील करती हूँ कि प्लीज अपनी बच्चियों को देखिए और रादर वो कॉलेज में आए। हमारे लिए सारे बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा उल्टी सीधी बात भी करता है तो घर में कोई बच्चा करता है तो उसको आप थोड़ी ना मारेंगे या कुछ करेंगे। दे वेलकम, दे शुड जॉइन द क्लासेस, क्लासेस पढ़ें, ऐसी कोई बात ही नहीं। हमें कोई विंडिक्टिव या कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है। जो ये कह रही हैं टीचर रोल नंबर पूछ रहे हैं, मैंने अभी मेरे पास लड़के हैं थी, मैंने कहा किसी टीचर ने पूछा रोल नंबर कहते हैं अपने से, जिसे कहते हैं ना कभी वो एक चीज़ बोल रही है कभी दूसरी चीज़ बोल रही है। सॉलिड कंक्रीट प्रूफ किसी के पास नहीं। जिसको पूछो बताओ सुना है सुना है सुना है। इवन कल एसएसपी साहब और एसडीपीओ अपना नंबर दे के गए हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है यू कम विद दैट, बट कम विद दैट कंक्रीट प्रूफ, हम ही देखेंगे कि इनका ये कैसे। मैम एक आखिरी सवाल, विमेन कॉलेज परेड या फिर विमेन पर कॉलेज गांधीनगर की जब भी बात होती है तो एक ना जनरल मासेज में एक परसेप्शन बन चुकी है कि विमेन कॉलेज परेड के टीचर्स की जो बिहेवियर है बड़ा एरोगेंट है। मैम इस पे किस तरह का क्वालिटी चेक रखते हैं, क्योंकि आप एज ए प्रिंसिपल है आप हेड करते हैं सभी टीचर्स को, क्योंकि जब हमने भी कल बात करने की कोशिश की तो हमारे साथ भी बड़ी ही गलत लैंग्वेज यूज की। देखिए कल की बात तो मैं कहूंगी कि कल जिसे कहते हैं इन्होंने स्टूडेंट्स मैम ये जर्नल मॉसेज की एक परसेप्शन है। मैं एक चीज़ बताती हूँ ना कि सिर्फ कल की नहीं, कल की बात की तो मैं बात कर सकती हूँ कि कल इन्होंने बहुत मिसबिहेव किया है टीचर्स के साथ। आप देखेंगे कि टीचर्स इंजर्ड हुए हैं और इनको रिपोर्टर्स एजिटेट कर रहे हैं कि तुम ऐसे उठा के पत्थर मारो तुम्हारा ऐसा पोज लेंगे और तुम ऐसे शीशे तोड़ो हम तुम्हारा ये फोटोग्राफ लेंगे, मुंह पे ऐसे बांधो। एक्सपोज मीडिया को हो क्या गया है? जब आप टीचर्स ये चीज़ें देखते हैं मना करते हैं और उनको कहते हैं मारो इन टीचर्स को, इनके साथ ये करो इनके साथ वो करो, टीचर तो एजिटेट होगा नहीं। वो भी आकर ह्यूमन बीइंग है, नॉट अबाउ सेंट तो कोई नहीं है। सुनिए दूसरी चीज़ रही ये एरोगेंसी, मैंने अभी तीन दो तीन महीने ही हुए ज्वाइन किए हो, मैंने तो किसी में ऐसी एरोगेंस देखी नहीं है। हाँ बच्चे उधर बोल रहे हैं मेरे पास रिटर्न देना किस टीचर ने उनके साथ ऐसे बिहेव किया, दैट आई विल सी द पर्सन शुड बी टेकन टू द टास्क। अगर ऐसा कोई बिहेव बच्चों के लिए करता है, आई टोल्ड माई टीचर्स जब मैंने इनसे मीटिंग की थी कि वी आर हेयर ओनली फॉर दीज स्टूडेंट, इनकी एग्जिस्टेंस है तो हम हैं और इनकी एग्जिस्टेंस है तो मेरी भी प्रेजेंस। इसलिए बच्चे हमारे मेन स्टेक होल्डर्स, बच्चे हो गए उनके पेरेंट्स हो गए और हमें इनको ग्रूम करना है, खाली एजुकेट ही नहीं करना है, ग्रूम यू हैव टू गिव सोसाइटी द यूजफुल सिटीजन्स, नॉट कि बच्चे को डिग्री मिल गई तो चला गया और बात भी नहीं करना है। थैंक यू मैम। यहाँ पे दो बातें साफ होती हैं, एक बात तो ये कि कॉलेज में अगर स्टूडेंट्स को रहना है तो टीचर्स जिस तरह से डिसिप्लिन में रखना चाहें वैसे रखना पड़ेगा, जो कि छात्राओं का मेन चाहिए भी कि उनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ है उसके लिए प्रिंसिपल मैम ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ पे जो भी बात हुई है अगर कुछ उनको लगता है कि इस तरह के इशू है कि वो उनके साथ आके डिस्कशन करें और उनके साथ प्रॉपरली बात करें और उसका कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। तो फिलहाल आप लोग स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लासेस भी मिस हो रही हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको देखना है कि इसी तरह से प्रोटेस्ट करके अपनी क्लासेस मिस करनी है या मैडम प्रिंसिपल से आके बातचीत करनी है। आशीष कोहली कैमरामैन संदीप सिंह के साथ यू फॉर यू वॉइस के लिए।